please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. खाने पीने की चीजों में मिलावट की ढेरों कहानियां सुनी होंगी आपने। सब्जियों के रंग रूप पर जहरीली चमक चढ़ाने का धंधा भी होता है, लेकिन आज की खबर नॉनवेज के दीवानों को चौंका देगी, क्योंकि आप सोच भी नहीं सकते कि जो चिकन आपको परोसा जा रहा है उसे जिंदा रहते ही जहर से भर दिया जाता है और चिकन के जरिए वही धीमा जहर न जाने कब से आपके शरीर में पहुंच रहा है। कष्ट हो जाए थोड़ी बिरयानी बुखारी थोड़ी फिर नल्ली निहारी ले आओ आज धर्म भ्रष्ट हो जाए। हे किचन से आवाज चिकन टुकड़ू को तेरी भूख का इलाज चिकन टुकड़ू को यही कहता है आज चिकन टुकड़ू को खाली पेट का इलाज चिकन टुकड़ू को। चिकन एक और व्यंजन तमाम। लाओ कोफ्ता लाओ कोरमा लाओ शोरबा लाओ शर्मा सारे उपवास भले नष्ट हो जाए। थोड़ी बिरयानी बुखारी थोड़ी फिर नल्ली निहारी ले आओ आज धर्म भ्रष्ट हो जाए। चिकन के दीवाने भी तमाम। चिकन उकड़ू कू शौक बड़ी चीज है, लेकिन इतनी बड़ी भी नहीं कि जान जोखिम में पड़ जाए। अगर आप चिकन के शौकीन हैं, तो ये खबर आपके लिए ही है। चिकन जायका नहीं जानलेवा है। चिकन से हो सकती है एड्स जैसी बीमारी। आपके लिए चिकन खाना जरूरी हो या फिर एक शौक, लेकिन हम जो आपको दिखाने वाले हैं वो खबरदार करने वाला है। आपकी प्लेट में रखा बटर चिकन, चिकन कबाब या तंदूरी चिकन सिर्फ एक डिश नहीं है, बल्कि ये खतरनाक जहर है। न्यूज 18 इंडिया के कैमरे में कैद हुआ है चिकन के नाम पर चल रहा गोरख धंधा। अपना मुंह छिपाए खड़ा ये शख्स आज कैमरे पर चिकन का वो सच दिखाएगा जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। चिकन के करोड़ों के कारोबार से जुड़ा है ये शख्स और उसी कारोबार के लिए चिकन को जहर बनाया जा रहा है। इन लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है कि इस चिकन को खाने के बाद आपकी सेहत पर क्या असर पड़ेगा। इस चिकन का स्वाद आपको बीमार, बहुत बीमार करने के लिए काफी है। आने वाले समय ये बहुत बड़ा नुकसान करने वाले हैं, लाइफ थ्रेटनिंग भी, जान को खतरा भी बन सकता है। न्यूज 18 इंडिया पर आप वो तस्वीरें देखने जा रहे हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी कि आप चिकन खा रहे हैं या फिर जहर। अगर हम आपको कहें कि इस चिकन के साथ आपके शरीर में एक ऐसा जहर जा रहा है जो एड्स के रोग जैसा है, तो आपके लिए यकीन करना मुश्किल होगा। दरअसल जिस चिकन की हम बात कर रहे हैं वो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को धीरे धीरे खत्म कर रहा है और एक वक्त ऐसा आएगा जब किसी बीमारी में कोई दवा आप पर असर ही नहीं करेगी। आज न्यूज 18 इंडिया आपको दिखाएगा कि आपकी थाली में सेहत के लिए फायदेमंद कहा जाने वाला चिकन कैसे आपकी सेहत का बंटा धार करने वाला है। हमारी पड़ताल शुरू होती है राजधानी दिल्ली से 280 किलोमीटर दूर पंजाब के संगरूर जिले से। हमें खबर मिली थी कि चिकन के कारोबार में हो रहे ऐसे एक खिलवाड़ की जिसमें चिकन को जहरीला बनाया जा रहा है। जुबान के मुकाबले जेब के खेल में सेहत पर छिपकर ऐसा वार किया जा रहा है कि दुनिया की सारी दवाएं भी जहरीली चिकन के शिकार पर काम न कर पाएं। हमारा मिशन था पोल्ट्री फार्म में पल रहे ब्रॉयलर चिकन का हाल जानना। वही ब्रॉयलर चिकन जिसे खास तौर पर चिकन के व्यंजनों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। हमारी तहकीकात हमें देश के कई शहरों तक ले गई।
आपके पसंदीदा चिकन में जहर होने की बात से कई लोगों ने इनकार कर दिया। ज्यादातर पोल्ट्री फार्म मालिकों ने हमारी टीम को पोल्ट्री फार्म में घुसने की इजाजत तक नहीं दी। हम ये भी जानना चाहते थे कि वो क्या वजह है जिससे हमें पोल्ट्री फार्म में जाने तक नहीं दिया जा रहा। आखिरकार हमारी टीम ने रुख किया चिकन की सबसे ज्यादा खपत वाले राज्य यानी पंजाब का। पंजाब के संगरूर शहर के एक पोल्ट्री फार्म में हमने जो कुछ देखा और जो कुछ सुना वो हैरान कर देने वाला था। चंद पलों में आप भी देखेंगे और सुनेंगे चिकन के धंधे में शामिल उन गिद्धों की कहानी, उन्हीं की जुबानी। हमारा मिशन था पोल्ट्री फार्म में पल रहे ब्रॉयलर चिकन का हाल जानना। वही ब्रॉयलर चिकन जिसे खास तौर पर चिकन के व्यंजनों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। हमारी तहकीकात हमें देश के कई शहरों तक ले गए। आपके पसंदीदा चिकन में जहर होने की बात से कई लोगों ने इनकार कर दिया। ज्यादातर पोल्ट्री फार्म मालिकों ने हमारी टीम को पोल्ट्री फार्म में घुसने की इजाजत तक नहीं दी। हम ये भी जानना चाहते थे कि वो क्या वजह है जिससे हमें पोल्ट्री फार्म में जाने तक नहीं दिया जा रहा। आखिरकार हमारी टीम ने रुख किया चिकन की सबसे ज्यादा खपत वाले राज्य यानी पंजाब का। पंजाब के संगरूर शहर के एक पोल्ट्री फार्म में हमने जो कुछ देखा और जो कुछ सुना वो हैरान कर देने वाला था। चंद पलों में आप भी देखेंगे और सुनेंगे चिकन के धंधे में शामिल उन गिद्धों की कहानी, उन्हीं की जुबानी। ये शख्स भी उनमें से एक है, संगरूर जिले के इसी पोल्ट्री फार्म का मालिक। ये शख्स चिकन के गंदे धंधे से पर्दा उठाने को तैयार तो हो गए लेकिन अपने चेहरे पर नकाब डालकर। हमारा मकसद आपको खबरदार करना है, इसलिए जब इस शख्स ने अपनी पहचान जाहिर करने से इनकार किया तो हमने ये शर्त भी मान ली। इस शख्स की जुबानी एक ऐसी कहानी सामने आने वाली है जिसे सुनकर भी एक बार तो यकीन नहीं होता, लेकिन ये तस्वीरें यकीन दिला देंगी। संगरूर के इसी पोल्ट्री फार्म में पल रहे इन मुर्गों को देखिए। इनकी उम्र महज एक महीना है लेकिन इनका वजन है 2 से 4 किलो तक। एक महीने में 4 किलो का कैसे हुआ चिकन? दिन दुगनी और रात चौगनी रफ्तार से बढ़ते हैं यहाँ के मुर्गे। कुदरत के भरोसे छोड़ दिया जाए तो 3 से 4 महीने लग जाएं ऐसी सेहत बनाने में, लेकिन यहाँ लगता है सिर्फ एक महीना। यहाँ पल रहे मुर्गों का दाना पानी ही ऐसा है, ये दाना भी वजन बढ़ाता है, ये पानी भी वजन बढ़ाता है, और फिर भी सेहत ना बढ़े यानी वजन ना बढ़े तो ये इंजेक्शन। लेकिन ये कोई जादू नहीं है, एक जुर्म है जो हमारे कैमरे पर कैद हो रहा है। आप सोच रहे होंगे कि इतना जतन क्यों कर रहे हैं चिकन के कारोबारी। ये दवाएं हैं जो चिकन के शरीर में चारे और पानी के साथ पहुंचाई जाती हैं, और चिकन का वजन बढ़ाने के लिए इंजेक्शन अलग से दिया जाता है। क्योंकि अगर हम नॉर्मल इसको पैदा करें तो बच्चे को पैदा करें तो लगभग 2 से 2.5 महीने लगेंगे, और ऐसे हम इंजेक्शन के साथ अगर तैयार करते हैं तो 15-20 दिन में तैयार हो जाता है बच्चा। इसलिए हमारा जो टर्नओवर है, जो किस्तें भरनी है, हमने सब अपने खर्चे पूरे करने हैं, ऐसे ही पूरे होंगे। ऐसे जो हम लोगों के बारे में सोचने लग गए, आम पब्लिक के बारे में, तो हमारा रोजगार तो ठप हो जाएगा। ये कारोबारी जानते हैं कि चिकन का वजन बढ़ाने वाला ये फॉर्मूला आम आदमी के लिए जानलेवा साबित हो सकता है, लेकिन इस सब बात से इन्हें कोई मतलब नहीं है। इंजेक्शन लगाने से क्या फायदा होता है? क्या इनका वजन बढ़ जाता है? और ये तो बड़े मुर्गे हैं, और इनको इनको इंजेक्शन लगाने से क्या फायदा है? इनसे अभी जो बीमारी का डर है वो, यानी कि अभी जैसे मौसम बदल रहा है एकदम से, इनको बीमारी पड़ने का डर होता है वो कम हो जाएगा, और इनकी ग्रोथ में
प्लस जल्दी बढ़ेंगे। यानी आपको जो लगता है कि मुर्गा कम वजन का रह रहा है उसको इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी हाँ। इन्हें बस मतलब है मुनाफे से, मुनाफा जो इनकी जेबें तो भर दे लेकिन आपकी जेब और शरीर पर ऐसा असर डाले जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। आज न्यूज 18 इंडिया पर हम आपको बताएंगे कि किस तरह से एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल चिकन में हो रहा है। जो चिकन आप खा रहे हैं उसमें आप चिकन नहीं बल्कि इतनी भारी मात्रा में एंटीबायोटिक दवाएं खा जाते हैं कि एक वक्त ऐसा आ सकता है कि आपके शरीर में एंटीबायोटिक दवाएं इतनी ज्यादा मात्रा में हो जाएं कि अगर आप कोई नई दवा लेंगे तो वो आपके शरीर पर असर करना ही बंद कर देगी। चेहरा छिपाए इस आदमी से जब हमने इसके बारे में पूछा तो सुनिए उसका क्या जवाब था। हमको तो वजन तक मतलब है, वजन बढ़ना चाहिए इसका, तभी हमारा कारोबार चढ़ेगा। अगर हम इसको देखते रहेंगे और पब्लिक को देखते रहेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, तो हम तो फेल हो जाएंगे। चिकन का वजन तीन तरीके से बढ़ाया जाता है, चारे में एंटीबायोटिक्स मिलाकर, पानी में दवाई मिलाकर और मुर्गे के शरीर में एंटीबायोटिक्स इंजेक्ट करके। पोल्ट्री फॉर्म के मालिक ने हमें बताया कि एंटीबायोटिक दवाएं उन्हें किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाती हैं, और तो और कई मेडिकल स्टोर इन दवाओं की डिलीवरी पोल्ट्री फॉर्म पर भी कर देते हैं, लेकिन इन पर कोई नाम कोई फॉर्मूला तक लिखा नहीं होता। ये इस तरह की दवाई होती है जो इंजेक्शन में और वो पिंक कलर की जो स्टोर में पड़ी है अभी, वो फीड में मिक्स करते हैं हम, उसके साथ काफी हमको फायदा हो जाता है। यानी कि अच्छा, इस इंजेक्शन पे कहीं भी कुछ नाम नहीं लिखा है, तो ये इस इंजेक्शन पे कहीं भी कुछ भी कहीं नाम नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपने कभी जानने की कोशिश नहीं की किस तरह की दवाएं आप दे रहे हैं, कितनी खतरनाक हो सकती है? हमको इसके नाम से कोई मतलब नहीं, जो हमारा पर्पज है वो इससे पूरा हो जाता है। साफ है कि पोल्ट्री फार्म चलाने वालों के लिए ये बात जरूरी है कि उनका मुर्गा जल्द बड़ा हो जाए और मुर्गे का वजन दोगुना हो जाए जिससे उन्हें तगड़ा मुनाफा मिले। यही वजह है कि पोल्ट्री फार्म्स को ये एंटीबायोटिक दवाएं बेहद रास आ रही हैं। ज्यादा मुनाफा कमाने और कम जानकारी के चलते पोल्ट्री फार्म के मालिक अपने मुर्गों और चूजों को ऐसी खतरनाक एंटीबायोटिक दवाएं दे रहे हैं जो कि मानव के शरीर के लिए काफी हानिकारक हो सकती हैं। लेकिन सरकार की तरफ से आज तक कोई भी ऐसे गाइडलाइन पोल्ट्री फार्म मालिकों के लिए नहीं बनाए गए हैं कि उनको किस तरह की दवा का इस्तेमाल करना है और किस तरह की दवा का इस्तेमाल नहीं करना। देखिए कैसे एंटीबायोटिक दवाओं के जरिए 20 से 25 दिन में ही चूजा बड़ा हो जाता है। पोल्ट्री फार्म के मालिक ने हमारे कैमरे पर और भी ऐसे खुलासे किए जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। एंटीबायोटिक देने से वजन भी बढ़ेगा, जो बच्चे का वजन है, जो चूजे का वजन है, और जो इनकी बीमारी के लगभग 0% चांस रह जाते हैं मरने के। लेकिन एक आम आदमी को कितना नुकसान होता है इसकी जानकारी है आपको? वो तो हमको नहीं जानकारी। इस शख्स को आपकी सेहत से कोई मतलब नहीं, इसे चूजों को मुर्गों में तब्दील करने और मुर्गे में गोश्त का वजन बढ़ाने की जल्दी है, इसके लिए वो इन दवाओं का इस्तेमाल कर रहा है। एक चीज ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये जो मुर्गे हैं आमतौर पे इनका वजन कितना होता है और ये दवाइयाँ देने के बाद कितना आपका प्रॉफिट बढ़ जाता है? ये लगभग भी 2 से 2.5 किलो वजन इसके प्लस हो जाएगा। यानी अगर एक मुर्गा जो 2 किलो का तैयार होना है वो 4-4.5 किलो का हो जाएगा। ये 4-4.5 किलो का हो जाएगा इस इंजेक्शन के साथ। आमतौर पर एक चूजे को मुर्गा बनने में 70 से 80 दिन का वक्त लगता है जिसका वजन 2 से 2.5 किलोग्राम तक होता है, लेकिन दवा देने के बाद यही चूजा 20 से 25 दिन में तैयार हो जाता है जिसका वजन 4 से 5 किलोग्राम तक होता है। दवाओं के दम पर फूला यही मुर्गा गोश्त की दुकानों और रेस्टोरेंट्स में से होते हुए आपकी थाली तक पहुंचता है, और आगे देखिए कि जब ये आपके शरीर में दाखिल होता है तब क्या होता है।